सो मैंने कुछ हफ्तों पहले से अपना फास्टेड कार्डियो करना शुरू करा है बिकॉज इट इज रियली गुड फॉर बर्निंग कैलोरीज एंड वाइल बीइंग ऑन अ कट. मैं बहुत टाइम से एक अच्छे खासे कट पर हूँ. मैं उसको सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. सो उसके लिए मैं कैलोरी डेफिसिट भी मेंटेन करके रख रहा हूँ, अपना कार्डियो भी हर दिन अच्छे से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और 10K steps मेरे हर दिन हो जाते हैं. इसलिए अब मेरा नया गोल सेटअप कर रखा है मैंने, जो कि है 12,000 to 15,000 steps की रेंज में, जिसकी वजह से मेरे को 300 to 400 calories का डेफिसिट मिल जाता है कार्डियो से ही. द ग्रेट पार्ट अबाउट लाइक वॉकिंग सुबह सुबह इज दैट इतनी अच्छी धूप होती है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है. सो या और विटामिन डी. दिस इज योर रिमाइंडर टू कम्प्लीट योर स्टेप्स अंडर द सन एंड ग्रैब सम विटामिन डी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप भी विटामिन डी में डिफिशियंट हो, इसलिए जाओ और अपना विटामिन डी पूरा करो आइदर थ्रू सप्लीमेंटेशन या फिर धूप में ही चल लो यार. ऑल्सो एक क्लाउड के जो शेप्स होते हैं, ऐसे क्लाउड्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. वो पूरा एक बड़ा सा ग्रुप होता है ना, ये छोटे छोटे ग्रुप. तो मैंने जस्ट अभी देखा अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के, तो मैंने 4 महीनों से कुछ पोस्ट नहीं करा हुआ है. एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल रीस्टार्ट दिस vlogging and documenting everything like my transformation, whatever I do in my daily life, everything that I can and want to record, I want to record it and put it in front of you all, ताकि मैं आप सब लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकूं जो भी मैंने अपने इस कटिंग की फेज में सीखा है. अगर मैं उससे 5 से 6 लोगों को भी कुछ नई चीज सिखा सकता हूँ, दैट विल बी इनफ फॉर मी. हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बस एक चेंज एक्स्ट्रा आएगा, विच विल बी दैट वी विल रिकॉर्ड इट नाउ एंड वी विल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. इतने महीनों से इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था. मेरा मेन मोटिव ये हो रहा था कि मैं जिम पे ज्यादा फोकस कर सकूं, कि जब रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह वगैरह एंगल सब कुछ करना पड़ता है तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, उसकी वजह से ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती. सो इसलिए अब क्योंकि आई थिंक आई एम इन अ बेटर कंडीशन दैन बिफोर, ट्रस्ट मी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए. अब मैं थोड़े से अपने स्टेप्स पूरे करूँगा 4,000 to 6,000 के अराउंड एंड देन वील हैव आवर ब्रेकफास्ट. एंड मेजरली इस चैनल का और मेरा गोल ये होगा कि मैं आप सभी को कुछ ना कुछ किसी भी अच्छे वे में एजुकेट कर सकूँ, चाहे वो जिम के अंदर हो या किसी भी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो जो कि चीज़ें मैंने सीखी है. बाकी साइड बाय साइड जितने भी मौज मस्ती मज़े वगैरह होंगे वो तो सब देखेंगे ही. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, सारी लाइक कॉलेज के साथ मस्ती वगैरह सब कुछ की है. सो या देखो मैं ज़्यादा पहले जिम से रिलेटेड नहीं बनाता था, बट नाउ इट इज डिफरेंट. 6,500 steps डन. माइक का कैसा इफेक्ट सही है? Cheers. This is the meal that I've waited for the whole night. And throughout the cut, मैंने यही breakfast करा है हर दिन for like continuous period of time. मैं सारा का सारा bowl खत्म करूँगा and उसके साथ साथ मैं देखूँगा Breaking Bad last के 2 episodes बचे हुए हैं season 5th के, तो भी बहुत ज़्यादा interesting part आने वाला है and I am so excited. इतने टाइम से देख रहा हूँ, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, फिर मैंने दोबारा शुरू करा. एंड अगर तुमने देखा तो तुम बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमको कैसा लगता है ब्रेकिंग बैड. थैंक यू भैया. एंड दिस थिंग हियर इज अ प्री वर्कआउट. लेट्स गो. आज क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था एंड मैंने अच्छे से कार्ब्स वाली मील लेकर आया था एंड मैं आज कॉलेज भी नहीं गया था, सो मेरे इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं हूँ मैं. इसलिए आज मैं अपने जिम से पहले एक बनाना खाता हूँ जहाँ पे मैं कॉफ़ी लेता हूँ, इसके पास ही मैं केले वाले से केला लेता हूँ. वो केला तो नहीं लिया. कैफीन इज इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक उदित ब्रदर आज हमारे जिम में आए हैं. आज हमारा एनर्जी लेवल्स हमारे वैसे ही बढ़ चुके हैं, तो दिस कैफीन विल ओनली बूस्टेड. तो यस लेट्स गो. क्या कर रहे हो आज? बैक. चलो मैं चेस्ट कर रहा हूँ आज. Only YouTube. अभी
मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ रखा है कि मेरे को यूट्यूब पे कुछ करना है। बॉडी भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। फ्री ले रहे हो कॉफी? ले रहे हो कॉफी? अभी टैक्स कटूंगा थोड़ी सी। द बेस्ट फ्री। तो मैंने इनके ही रेफरेंस से लिया था माइक। शक्ल देख रहे हो मां? सिस्टम क्या है ये? You can guess what day it is, then you are a gym rat. इनके पास भी सेम ये वाला माइक था, तो फिर मैंने वो यूज करके देखा तो मेरे को लगा नॉइस कैंसिलेशन तो अच्छी है, फिर मैंने भी ले लिया। भाई नॉइस कैंसिलेशन तो उसकी थी, उसने ही तो नॉइस कैंसिल कर दी। मैं बोलता रहता था, वो सुनती नहीं थी। फाइनली पहली बार ही मैं देखता हूँ कि कैसे लगेगा ये, लाइक नॉइस कैंसिलेशन वगैरह। हेलो हेलो हेलो, ये अभी नॉइस कैंसिलेशन पे नहीं है। हेलो, अब नॉइस कैंसिलेशन एंड ऑन हुई है इसकी। देखूंगा जब मैं इसको एडिट करूंगा तब देखूंगा कैसे आया है। सो लाइक पहली एक्सरसाइज हमारी स्मिथ मशीन इंक्लाइन है 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद देखेंगे अगर ऊपर जाना तो। एंड मोस्टली मैं रेप रेंजेस 10 टू 12 के बीच में रखूंगा, एंड जितना ज़्यादा स्लो इसेंट्रिक होएगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो या लेट्स सी। एंड जिम के मैंने स्पेशली गाने कम करवाए हैं ताकि इसमें आवाज़ ना आए। वार्म अप सेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे रेप्स लगाने हैं, स्लोली अगर आप कर कराओ, इट्स जस्ट टू वेक दोज यू नो जॉइंट्स अप, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील ना हो जब आप अपने वर्किंग सेट्स में जा रहे हो। 5 to 6 रेप्स के अराउंड बिफोर योर वर्किंग सेट्स इज इनफ विद लिटिल अमाउंट ऑफ वेट, प्रॉबेबली हाफ ऑफ योर टॉप सेट। सो या पहला वर्किंग सेट है 20 से। आई एम एमिंग फॉर लाइक अराउंड 11 ish reps, एंड लेट्स सी कितने आते। लास्ट टाइम मैंने ट्रेन चेस्ट तो आई गॉट 10 reps इन माई फर्स्ट स्टॉप इन माई फर्स्ट सेट वर्किंग सेट। अब देखते हैं इस सेट में कितने आते हैं। Last. Last. This is 35 kg each side. So iske baad we are going to be like fully pumped, and then we will take this pump cover off. जितनी ज़्यादा आप सीट ऊपर करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लोअर पेक्स टारगेट होंगे। वी काइंड ऑफ आर इन द मिडल, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। सो या लेट्स गो। Squeeze. Ten reps. Just because like we don't have anyone with us to record, I don't have a cameraman. And yeah, say yeah, akele workout, akele sab kuch angles, akela shooting. Nice. But yeah, let's see how the pump is. Oh. Oh.
12 reps. Let's see कितने आते हैं. Red reps. I don't know why, but for some weird reason, मेरे पहले सेट में सिर्फ 10 reps आए clean and दूसरे सेट में 12 reps आए. Maybe I didn't push hard enough on the first set. I don't know. But yeah, दूसरा set was good. तीसरा set भी सही जा रहा था. पर तीसरा सेट भी सही था मेरा. आज यार पता नहीं क्यों वाइब नहीं आ रही है. मे बी आई एम रिकॉर्डिंग और सेटिंग अप अ लॉट. आई डोंट नो, द पंप इज नॉट दैट गुड. कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू पुश हार्ड हार्ड इनफ ऑन अदर एक्सरसाइजेस. लेट्स गो. कोशिश करेंगे अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन आए. लेट्स गो. चलो चलो कोई नहीं, जाओ जाओ. मैंने कुछ टाइम पहले ही लाइक अपने प्रोग्राम के अंदर वेटेड डिप्स ऐड करे हैं. सो अभी तो मैं 5 kgs पर ही हूँ, इतना ज़्यादा, पर आई एम प्रोग्रेसिंग इन इट. अभी अंदर से डंबल लेकर आता हूँ 5 kg का. सो मेरे पास वेटेड डिप्स की बेल्ट नहीं है जो आती है चेन वाली, बट यार दिस विल वर्क, माई लेग्स विल वर्क. आई डोंट नो व्हाई मेरे को लग रहा है अटकेगा. लेट्स सी. Up. But not, we are not going to stop. अब जितने भी हो पाएंगे without any weight. Nice. Weighted dips की वजह से जो मेरे lower pecs में deep stretch आता है वो mostly किसी और lift से नहीं आ सकता. तभी आपने देखा होगा जितने भी calisthenics एथलीट्स होते हैं जो डिप्स पुलअप्स करते हैं उनकी कोर मूवमेंट होती है लाइक लैट पुल डाउन्स एंड वेटेड डिप्स, जिनके बेसिस पे वो जज होते हैं. सो दे रियली डू एक्सेल इन दैट. तभी उनकी चेस्ट और बैक उनकी बॉडी का कोर कॉम्पोनेंट होते हैं. बट एज यू नो वॉट दे से अबाउट कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स, दे डोंट हैव लेग्स. आई सेड इट. Oh.
गाइस दिस इज माय फेवरेट स्पॉट फॉर डूइंग लेटरल रेजेस बिकॉज़ यहां की लाइटिंग इज बैडास देख लो वेंस स्लो सेंट्रिक्स पॉज ऑन द टॉप फोर्टीन फिफ्टीन लास्ट यू आर गोइंग टू जस्ट स्विंग इट अराउंड सिर्फ इतने में फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन I love this partition when triceps ke dono heads ke partition hota hai fuck man insane I don't know why mere ko aisa lag raha thumbnail yahan se aayega Last, we are going to just hit a little bit of abs, table crunches for 3-4 sets. Fuck! Tomorrow is our favorite day. Every day is our favorite, but that day is. Ab milte hain ghar pe.